Evening to one and all. On behalf of Chitnavis Center and GH Rajasthan Sports and Cultural Foundation, I welcome you all to this beautiful musical evening. Today's program is jointly organized by GH Rajasthan Sports and Cultural Foundation and Chitnavis Center. To enthrall us with her melodious renditions, we have amongst us Srimati Kakoli Mukherjee. Ladies and gentlemen, please welcome Srimati Kakoli Mukherjee. She has come from Kolkata and is going to present glimpses of semi-classical Indian music. Kakoli Mukherjee. She is the disciple of late Srimati Shipra Ghosh and late Vidushi Dr. Girija Devi. She is AIR Kolkata A grade artist as well as A grade artist for Doordarshan. She has received national scholarship. She is a guest trainer in BHU. She has started learning classical music at the age of 8 years. We are very thankful to you, ma'am, for accepting our invitation and coming to Nagpur. For the first time, she is going to present in Nagpur. She'll be accompanied by Mr. Srikant Pise on harmonium and Mr. Ram Harse on tabla. Now I request Mr. वेस्ट बंगाल से आई हूँ और कोलकाता के रेडियो में हूँ अभी तक. कोशिश जारी है, इतना कुछ नहीं है, कोशिश कर रही अभी तक. मैं भी सीख रही हूँ, सीखना जारी है अभी तक. तो जितने सारे त्रुटि है ये सब मेरे हैं. अगर जो इस आसन पे थोड़ी भी कोशिश कर रही हूँ गाने की, मेरे गुरु और मेरे माता पिता के आशीर्वाद है और साथ में श्रीकांत है, राम जी है. कोशिश करूँगी हम थोड़ा आप लोगों को सुनाने की लायक कोशिश करूँगी. ठुमरिया एक शैली है हिंदुस्तानी क्लासिकल में, उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं. और आप लोग शायद जानते भी हैं, मेरे से भी अच्छे जानते हैं, फिर भी थोड़ी परिचय ठुमरिया की कर सकती हूँ. ठुमरिया की बेस है ये रागों की जितना शुद्धता होती है उससे ज़्यादा है इसलिए भाव प्रधान और रस प्रधान. इसका दो ही भाग होता है, एक पंजाबी ठुमरी होता है, एक पूर्वांग ठुमरी होता है. पूर्वांग में भी भाग होते हैं, बनारस की होता है, लखनऊ की होता है. तो अभी इसका जो जगह है उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं, फिर भी रागों में ही रहना पड़ता है. कुछ जो आसपास में राग के हम लोग जाते हैं वो सौंदर्य वृद्धि करने के लिए करते हैं. और मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं अभी तक सीख रही हूँ, जो भी त्रुटि है क्षमा कर देना. मेरी पहली प्रस्तुति है राग काफी के ऊपर और मिश्र कहते हैं इसलिए कि आसपास के राग में कोशिश करते जाने के लिए. अजरा छारो कन्हाई देर भई पलघट में आई, अजरा छारो कन्हाई
किशन जी को कह रहे हैं कि मेरे आंचल छोड़ो, गाली मैं दूंगी अब ना डरूंगी, अब जान गई चतुराई कनाई। Thank you.
अभी मैं कोशिश करूँ कि हर तरीके का हर टाइप का जो शैली होता है तुम्बिया में गाने के लिए, तो पहले तो चुंदे जग में गई थी जग में, उसके बाद बारो मसा गई थी, और अभी ये समय नहीं है गाने की, फिर भी मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ अगर इजाजत है तो। चैती तो गर्मी में सुनाया जाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक सुनाऊँ, तो ये राग पहाड़ी के ऊपर है।
एक एक को पहचान रहे तो शायद खून की रिलेशन नहीं लगता है। संगीत के ऐसे मेलबंधन है कि बैठ बैठ के यहाँ पे रिलेशन हो गया। तो एक कजरी गा रही हूँ, शायद अभी बारिश हो रही है कि इधर हो रहा है, मैं एक्चुअली टीवी कम देखती हूँ तो पता नहीं मुझे। तो एक कजरी गा रही हूँ, कजरी जो बारिश के समय समय गाए जाते हैं, ये भी अप्पा जी की एक कंपोज किया गया है, उन्होंने खुद बनाया है ये।
पड़ता, ये नागमा बोलते हैं इसको, छोटा छोटा बंदिश को एक साथ करके करते हैं। शायद ये कोई मुझे लगता है कोई फिल्म में दिया गया था, सरदारी बेगम जी, शोभा जोशी जी ने। जैसे मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब की होली में खेलूंगी डट के, मतलब लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि गुस्से वाले हैं बहुत, क्यों मुझे रंग दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि कान्हा उनको, राधा को रंग दे, तो ये इसका प्रकाश है, ये भाव का प्रकाश। More.